दोस्तों शरीर के अनचाहे बालों को हटाने की बहुत ही बढ़िया रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इससे अपने हाथों के बाल, आप अपने पैरों के बाल या फिर अपने अंडरआर्म्स के बालों को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बाज़ार में तरह तरह की हेयर रिमूवल क्रीम भी आती हैं या हम लोग कई बार वैक्सिंग भी करवाते हैं। इससे कई बार हमारी त्वचा में ढीलापन आ जाता है, ज़्यादा हेयर रिमूवल क्रीम से कालापन भी आने लगता है। तो इस रेमेडी में बताऊंगी दोस्तों कि अनवांटेड हेयर को किस तरह से रिमूव करें। साथ ही साथ दोस्तों यदि हमारे स्किन में सांवलापन आ जाता है, हल्का सा कालापन आ जाता है, तो हम अपनी त्वचा को गोरी और साफ किस तरह से करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है टर्मरिक हल्दी। हमारे रसोई घर में ही मिलने वाली जो हल्दी होती है, हल्दी, उसी हल्दी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप हल्दी ले लें और सबसे पहले तो दोस्तों इस रेमेडी में बहुत ही सेफ, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। कई बार हम लोग बालों को हटाने के लिए दोस्तों थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, कई लोग लेज़र भी कराते हैं, परंतु ये रेमेडी सेफ़ नहीं है दोस्तों। बल्कि थ्रेडिंग कराने से तो स्किन हमारी और जल्दी लटक जाती है और काले बाल आने लगते हैं, काले और ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेचुरल चीज़ों में लिया है बेसन। आप सबको पता है बेसन का लेप जब हम अपनी त्वचा पर लगाते हैं दोस्तों, और जब 10-15 मिनट इस पेस्ट को रखते हैं त्वचा पर, इस लेप को लगा कर रखते हैं, और जब हम इसे रिमूव करते हैं, तो ये अपने साथ ही साथ हमारे शरीर के जो छोटे छोटे से बाल होते हैं, जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं, उन्हें भी यह हटा देता है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है दोस्तों, और इस बेसन में मिलाना है अब आपको हल्दी। बेसन क्या करता है? बेसन हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करता है, रंग को गोरा बनाता है, हमारी त्वचा में कसाव लाता है। साथ ही साथ जो बेसन होता है सभी तरह के स्किन वालों को सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सेंसिटिव हो, सभी लोग बेसन हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी उस जगह के रंग को गोरा करेगी। टर्मरिक एक औषधि है, एक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। तो बस बेसन और हल्दी को सबसे पहले मैंने मिक्स कर लिया है, सूखा ही आपको इसे मिक्स करना है। ये देखिए जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ, तो फिर ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और दोस्तों जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बच कर रहेंगे ना, तो लंबे समय तक जवां बने रहेंगे, हमारी त्वचा भी अच्छी रहेगी, हमारी त्वचा में कसाव भी बना रहेगा। हल्दी जो होती है टैनिंग को भी दूर करेगी। इस पैक को लगाने से जो हमारे हाथ पैरों में सनबर्न के निशान हो जाते हैं, कालापन आ जाता है, टैनिंग हो जाती है, उसे भी यह रेमेडी हटाएगी। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, वो है इनो। आपको यहाँ पर लेना है 1/2 छोटी चम्मच इनो पाउडर। ये वही इनो है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, या फिर हम लोग इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उसमें सभी में हम लोग इनो पाउडर डालते हैं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर इनो का पाउडर डाला है। आप ब्लू वाला इनो लें, आप ग्रीन वाला इनो लें, जो भी है आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इस रेमेडी को आपको बनाकर नहीं रखना है, आपने इसे बनाया और आपको इसे तुरंत ही अप्लाई करना है। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लेने वाली दोस्तों, वो है लेमन, नींबू का रस। 1/2 लेमन जूस पूरा लगेगा। नींबू बड़े साइज़ का है तो आधा लें, नींबू छोटे साइज़ का है तो 1 लेमन जूस का आपको इस्तेमाल करना है। नींबू का रस क्या करता है? विटामिन सी से भरपूर होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और साथ ही साथ नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, हमारी त्वचा पर गोरापन लाता है। और जब इनो और नींबू का रस आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। बेसन, हल्दी, इनो और नींबू का रस, केवल 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही आपको इस रेमेडी में आपने इनो के ऊपर या इस पैक के ऊपर जैसे ही लेमन जूस डालेंगे, आपको इसे रखना नहीं है, आपको तुरंत ही उस जगह पर लगाना है जहां से आप अपने अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, अनवांटेड हेयर को हटाना चाहते हैं, वहां पर फटाफट इस लेप को लगा लें। 10 मिनट लगा कर रखें। इसे लगाते समय आपको इस लेप को अपने बालों के डायरेक्शन में लगाना है। 10 मिनट बाद
जब आप इसे रिमूव करेंगे तो बालों के उल्टी डायरेक्शन में इसे रगड़ते हुए थोड़ा निकालना है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर लेमन और इनो जब आपस में मिलती हैं, ये आपके जो बाल हैं ना जिस जगह पर लगाएंगे उस जगह के बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देंगी। रगड़ते हुए जब निकालेंगे तो जड़ें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो रगड़ खाकर खिंचाव से खींचती हुई बाहर आ जाती हैं जड़ें। यदि बाल ज़्यादा हैं तो सप्ताह में दो बार इस पैक को ज़रूर लगाना है। अंडर आर्म्स की त्वचा में जो कालापन है वो भी हट जाएगा। हाथ पैरों में जो टैनिंग हो गई है वो भी बिल्कुल रिमूव होगी और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो लेमन जूस मैंने पूरा एक डाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जूसी नहीं था नींबू का रस, इसलिए मैंने आधा नींबू का रस इसमें और भी ऐड कर दिया है ताकि रेमेडी 100% वर्क कर सके। तो लेमन जूस आपको अच्छी तरह से डालना है इसमें, तभी ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क करेगी और इनो के साथ मिलकर ये रिएक्ट करेगी। कम नींबू का रस होगा तो रेमेडी रिएक्ट नहीं करेगी दोस्तों। तो बेसन आपकी त्वचा से चमक जाएगा। बेसन के बारीक बारीक से जो कण होते हैं दोस्तों, ये हमारे स्किन को एक स्क्रब की तरह भी काम करते हैं। आपकी त्वचा में से डेड सेल रिमूव होंगे और आपकी त्वचा पर बहुत अच्छा निखार आएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस रेमेडी में हम डालेंगे यहाँ पर एक छोटा चम्मच नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल जो होता है ना दोस्तों, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। नारियल के तेल में भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। कई बार जिस जगह से हम लोग हेयर रिमूव करते हैं वहाँ की त्वचा हमारी बहुत ज़्यादा रूखी सूखी बेजान सी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर नारियल तेल का इस्तेमाल किया है ताकि आपकी उस जगह की त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट रहे और हाइड्रेट रहे, सूखापन ना आने पाए। तो देखिए मैं आपको अंडर आर्म्स पर ही इस तरह से लगाकर दिखा रही हूँ। धीरे धीरे इस पैक को लेते जाना है और अपने अंडर आर्म्स पर आपको इसे लगाना है। अंडर आर्म्स की त्वचा में कालापन आ ही जाता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो इस तरह से आप इसे लगाएं और 10 मिनट तक लगे रहने दें। बालों के डायरेक्शन में ही लगाएं और 10 मिनट के बाद बालों के उल्टी डायरेक्शन में थोड़ा सा रगड़ते हुए ही इसे निकालना है ताकि जो 10 मिनट में इनो और ये जो हमारा नींबू रस है ये सारी चीज़ें आपस में काम कर सकें, बालों की जड़ों को कमज़ोर। इस तरह से थोड़े ताकत से रगड़ते हुए निकालेंगे। यदि कुछ दो चार बाल छूट जाएं तो चिंता ना करें, आप इस रेमेडी को दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। जितने अनचाहे बाल हैं ना ये सारे जड़ से कमज़ोर होंगे और तेज़ी से रिमूव हो जाएंगे। बहुत सेफ, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद इस जगह को आप लोग साफ़ पानी से धो लें, कोई मॉइस्चराइज़र या कोई नारियल का तेल कुछ भी आप लगा लें, जो भी लगा लें, और आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो किसी चम्मच के पीछे के हिस्से से इसे रिमूव कर सकते हैं, सारे के सारे बाल आपके अलग हो जाएंगे। और कहीं एक दो बाल हैं तो फिर से आप इसे रिपीट कर लें और थोड़ा सा नारियल तेल ही लगा लें ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे। तो दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट